हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, उस चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो हम लोग करेंगे करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्न बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो सभी साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन को मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल। ये वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पर लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों 2010 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग को मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए चैनल पे, सभी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बता दूँ आप लोगों को मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ जाते, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, देखो तीन तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तरीय। तीनों का मार्क यहाँ पर दिया गया है 1, 2 और 5 अंक का। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं द्विघात समीकरण का, थोड़ा सा समझो तो सूत्र के माध्यम से, सूत्र के बारे में कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे इस वीडियोज में और इस चैप्टर में। देखिए, द्विघात बहुपद का नाम ही है दोस्तों द्विघात, तो इसका व्यापक जो रूप होगा, मैक्सिमम जो घात होगा 2 होगा, और व्यापक रूप होगा ax2 + bx + c, जहाँ a का वैल्यू नॉट इजकल टू 0 होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, एक अमान नोट चल, नहीं तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है 2 घात, ax2 + bx + c। अब बोला गया है द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है ये होता है आपका, ठीक है, जहाँ एक अमान नोट इजकल टू 0, और इसके मूल निकालने के लिए, मूल मतलब शून्य कभी कभी देखने को मिलेगा, मूल या फिर शून्य, इसका फॉर्मूला होता है -b ± √(b²-4ac)/2a। ठीक है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य के नियम भी बोलते हैं, जिसको हम और तीसरा है विवेचक, जिसको डी से निरूपित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभक्तर बोलते हैं, उसका सूत्र होता है d = b²-4ac, इसको भी याद रखना है। अगर मूल समान होंगे, देखो तीन चार तरह के शर्त होते हैं, अगर मूल समान होंगे तो विवेचक का मान 0 के बराबर होगा, अगर मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब रियल नंबर्स होंगे, वो डी का वैल्यू 0 के बराबर हुई हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा हमेशा, तब वास्तविक होंगे। अगर मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, देखो असमान का मतलब अलग अलग होगा, मूल वास्तविक मतलब डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो होगा लेकिन वो असमान होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब डी का वैल्यू 0 के नीचे है, मतलब डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट विवेचक का वैल्यू वो 0 माइनस में है। ठीक है, तो वो मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अंत तक सभी देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि एक द्विघात समीकरण का घात जो होगा वो क्या होगा। देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण, तो मैंने आप लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि द्विघात समीकरण, इसका नाम ही है द्विघात, तो मतलब इसमें टोटल कितने घात होंगे, 2 घात, कितना होगा 2 घात, तो ऑप्शन नंबर आपका, और उसमें भी +2, माइनस वाला नहीं, -2 गलत हो जाएगा, +2 घात होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में कितने टोटल घात, 2 घात, जो महत्तम होता है, महत्तम ठीक है मतलब मैक्सिमम अधिकतम। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है यदि द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 के दोनों मूल अगर बराबर होता है तो द्विघात समीकरण का विभक्तर क्या होगा। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने 4 शर्त पढ़ा है, ax2 + bx + c = यहाँ पे 0 दिया गया है, मूल बराबर है, मूल जो है इसका क्या है दोस्तों, बराबर है, मूल क्या है आपका, बराबर है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा, d बराबर क्या होता है b²-4ac = 0। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि अभी अभी हम लोग यहाँ पे 2 शर्त, जो 4 शर्त टोटल हैं, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है, ये बताओ दोस्तों क्या होगा, मूल इसका वास्तविक होगा और ये क्या होगा आपका, असमान होगा। ठीक है, और ये तो 0 से छोटा है तो ये आपका अवास्तविक होगा, क्या होगा, अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 का जो है राइट आंसर ये होगा। थर्ड नंबर समीकरण x² + 2x + 4
के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति पूछा गया दोस्तों, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस चार के मूलों की प्रकृति। तो भाई विवेचक निकालना पड़ेगा, तो विवेचक का मान होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी के जगह पर कितना है दो का स्क्वायर माइनस चार, ए के जगह पर कितना है एक और सी के जगह पर चार है, तो इसको हल करेंगे तो दो का स्क्वायर चार आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं कटा रहा था, चार चौके सोलह ये हो जाएगा, तो देखो माइनस सोलह में से चार गया तो माइनस बारह, जो जीरो से छोटा है दोस्तों, इसका मतलब डी अगर जीरो से छोटा होता है तो मूल आपका अवास्तविक होता है, मतलब नॉट रियल होता है, ठीक है नॉट रियल। तो तीन का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे सी, इसलिए बिना देखे प्लस है तो इसको बनाना पड़ेगा, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा कम से कम आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, ठीक है नेचर ऑफ यहाँ पे इक्वेशन रूट्स। फोर्थ नंबर है कि यदि कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस चार बराबर जीरो है, उसका एक मूल दिया गया है दोस्तों, मूल एक दिया गया है दो, तो k का वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तो x का मान यहाँ पे क्या करेंगे दो रखने पर जो दिया गया है आपको वही रख देंगे, तो x का वैल्यू क्या है दो, तो दो का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू इंटू के इंटू एक्स के जगह पे दो प्लस चार बराबर जीरो, इसको हल कर देंगे हम लोग चार आ जाएगा, ये प्लस फोर के हो जाएगा और ये प्लस फोर बराबर जीरो, तो यहाँ पे ये चार चार आठ हो जाएगा, तो फोर के बराबर इधर जाएगा तो माइनस आठ, के का वैल्यू यहाँ पे माइनस दो आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न था, आपको एक मूल दे दिया गया था, कभी कभी मूल भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो, जब क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पर तो सिंपल प्रश्न थे, जब मूल दे दिया गया है तो के का वैल्यू निकाल लो। चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं कि समीकरण दिया गया है और एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा है, मूल निकालने के लिए आ गया प्रश्न, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस बारह बराबर जीरो। देखिए इसको दो विधि से हम लोग कर सकते, दो कई सारे विधि, हालांकि दो विधि प्रचलित है दोस्तों, एक गुणनखंड विधि से, एक श्रीधराचार्य नियम से और एक ऑप्शन विधि से। ऑप्शन विधि का मतलब क्या हुआ, इसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो जो दिया गया ऑप्शन में एक्स के जगह पर हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे x के जगह पे रखेंगे, अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर आ गया तो वो इसका मूल होगा, अगर नहीं आया तो समझो वो नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको हल दोस्तों, किस विधि से हम लोग करते हैं, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से करेंगे, टू एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बारह दूनी चौबीस, तो इसका माइनस चौबीस एक्स स्क्वायर, इस दोनों को तोड़ेंगे आठ और यहाँ पर तीन में, प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस बारह बराबर जीरो, दो एक्स कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस फोर, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, इसको हल कर लेंगे हम लोग, एक बार टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो कर देंगे और एक बार एक्स प्लस चार बराबर जीरो कर देंगे, तो एक्स का मान माइनस चार, देखो माइनस चार जब आ जाएगा दोस्तों तो इसका वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन में देख लेते हैं माइनस चार यहाँ पर है, और इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स बराबर थ्री, एक्स का मान थ्री बाई टू, हालांकि ये दोनों मान आपका दोस्तों जीरो हो जाएगा इसका रखने पर, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मान दिया गया है, तो माइनस चार दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे पाँच का सी हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, माइनस चार अगर इस एक्स के जगह पर रखोगे तो इसका वैल्यू पक्का जीरो आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग। चलिए सिक्स नंबर देख लेते हैं, एक प्रश्न कहा गया है आपका सिक्स नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखो द्विघात अभी बहुपद हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा इससे पहले वाले चैप्टर में, बहुपद का पहचानने का नियम मैंने बताया था, किस तरीके से हम लोग बहुपद पहचान सकते हैं और कौन सा बहुपद नहीं है, बस वही आपको ट्रिक द्विघात समीकरण में भी लगा देना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण नहीं पहचानने का नियम, द्विघात समीकरण नहीं पहचानने का नियम, ठीक है, नहीं पहचानने का नियम, समझ में आ रहे ना। ठीक है, देखो रूट अंडर एक्स अगर दिया रहे तो समझो ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है दोस्तों, ठीक है, और आपको अगर एक्स के पावर टू बाई थ्री दिया रहे तो ये भी समझो कि आपका, और एक्स के पावर माइनस वन दिया रहे तो या फिर माइनस टू इस तरीके से भी क्वेश्चन, तो ये आपका बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो रूट अंडर एक्स दिया गया है तो ये आपका नहीं होगा, हालांकि यहाँ पर द्विघात है मैक्सिमम, लेकिन बहुत सारे छात्र लगा भी देंगे, लेकिन ये रूट अंडर एक्स है तो ये आपका बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तीन है, तो ए और सी छट गया मेरा,
बचा क्या ये, तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया यहाँ पे 1x है दोस्तों और यहाँ पे 2x² ऑलरेडी है। अगर इसको हल करेंगे तो ये x यहाँ पे इसमें लघुत्तम में आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2x³ हो जाएगा। तो हालांकि ये भी आपका नहीं होगा, बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। एक्स प्लस 1/x बराबर 2 है, इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर 2। इस एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1 बराबर 2x। इसको अगर हल कर लेंगे ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। 7 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। कहा गया है कि समीकरण 9x² माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। अभी जस्ट मूलों की प्रकृति जब भी पूछा जाएगा तो विवेचक आप लोगों को निकाल लेना, क्या निकाल लेना है, विवेचक डी जिसको बोलते हैं। तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। और जब भी निकालेंगे तो इसको हम लोग इस व्यापक रूप कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस पर निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 9 है, बी अगर नहीं है कुछ तो इसका मतलब 0 है दोस्तों, और सी का वैल्यू कितना है, माइनस 1 है। तो बी के जगह पर यहाँ पर क्या है, माइनस कुछ भी नहीं है, तो बी का मान 0 यहाँ पर, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर माइनस 1 है। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसको हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौके 36। तो 36 जो है ये आपका 0 से क्या है, बड़ा है दोस्तों, 0 से क्या है आपका, बड़ा है। जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब दोस्तों वो वास्तविक और असमान होगा, क्या होगा, वास्तविक और असमान। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ए, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। बस निकाल देना है, मूलों की प्रकृति आपके सामने आ जाएगा। 8 नंबर द्विघात समीकरण, देखो विवेचक पूछा गया, कितना सिंपल है। बहुत सारे छात्र लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, गलत ऑप्शन है, इसको ध्यान में रखना है। हमको क्वेश्चंस क्या दिया गया उस पर हम लोग को गौर करना है, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ये व्यापक रूप नहीं है। जब भी हमको विवेचक निकालना होगा तो व्यापक रूप में हमको करना होगा इसको, ठीक है। ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है विवेचक का, सॉरी व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, देखो इसको अगर हल करेंगे ये हो गया आपका a, ठीक है, ये हो गया ये, और इसी के जगह पे c। तो b के जगह पे यहाँ पे a दिया गया, तो ए स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे b है और c के जगह पे c है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। देख लेते हैं किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी में, 8 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल अगर नहीं है, यदि वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यही होगा ना, मूल वास्तविक नहीं होने का। तो 9 का क्या होगा, यहाँ पे डी राइट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/ अल्फा प्लस 1/ बीटा क्या होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों द्विघात बहुपद में, अगर अल्फा प्लस बीटा रहता है तो माइनस b/a होता है, अगर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है, और समीकरण यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये सेम हूबहू प्रश्न हम लोगों ने किया था, वो द्विघात बहुपद था, यहाँ पे समीकरण तो एक अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, माइनस b/a, माइनस b के जगह पे कितना है, यहाँ पे माइनस माइनस 1, ए के जगह पे 2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, तो सी के जगह पर माइनस 6/a हो जाएगा माइनस 3। हमको निकालना है 1/α प्लस 1/β, ये होता है अल्फा प्लस बीटा 1/α इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 -3, तो ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस आपका 6, क्या हो जाएगा माइनस 6, तीन दूनी सॉरी यहाँ पे
ठीक है। अगर देखो यहाँ पे 1/2 है और -3 है, अगर यहाँ पे तो देखो अंश ये हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है, ठीक है। तो 1/2 गुने -3 तो ये हो जाएगा 1/-6 जो हो जाएगा -1/6 जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है 10 का D। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न था, हालांकि ये 2 मार्क्स का पूछा जाना चाहिए इस प्रश्न को, कभी कभी आप लोगों को 1 नंबर वाले में पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि ये 2 नंबर वाला प्रश्न है 2 मार्क्स के। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर टोटल 10 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी को वास्तविक जो चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते थे वो मैं आप लोग को यहाँ पर कराया, ठीक है। आगे के वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय, सभी को पढ़ते रहिए।